Welcome you all in the video lecture series of C program. मैं हूँ रितेश और इस प्रोग्राम में हम देखेंगे how to calculate max of two numbers. So let's type the program hash include stdio.h hash include conio.h void main. आपको दो नंबर एंटर कराने हैं यूजर से और उन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर होगा वो स्क्रीन पर प्रिंट करना है. सो टू एंटर टू नंबर्स हम दो वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे ए कॉमा बी सी एल आर एस सी आर प्रिंट एफ एंटर एनी टू नंबर्स स्लैश एन स्कैन एफ परसेंट डी परसेंट टी एम परसेंट ए कॉमा एम परसेंट बी. तो जैसे ही आप दो नंबर एंटर कर देते हो विद द हेल्प ऑफ स्कैन एफ इन दो नंबर को हमको कंपेयर करना है. और सी प्रोग्रामिंग में आप इफ एल्स यूज कर सकते हो कंपैरिजन के लिए. तो इफ एल्स को हम लिखते हैं इफ ए ग्रेटर देन बी. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस ब्लॉक के अंदर आप जो भी कोड लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा. अदरवाइज एल्स ब्लॉक अगर ये ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है इफ ए इज नॉट ग्रेटर देन बी तो ये एल्स ब्लॉक प्रिंट होगा. तो हमको करना क्या है अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इनसाइड इफ ब्लॉक हमको लिखना है प्रिंट एफ मैक्स इक्वल्स टू परसेंट डी कॉमा ए. तो हमको ए को एज अ मैक्स प्रिंट करना है और अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक के अंदर हम लिखेंगे प्रिंट एफ मैक्स इक्वल्स टू परसेंट डी कॉमा बी देन गेट सी एच और क्लोजिंग ऑफ मेन फंक्शन. तो यहाँ पर हम दो नंबर एंटर कर रहे हैं यहाँ पर हम दो नंबर को कंपेयर कर रहे हैं. कंपैरिजन के लिए हमने इफ एल्स यूज़ किया है. अगर इस कंपैरिजन का इस कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आता है ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है ए ग्रेटर देन बी तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. इसको सेव करते हैं बाय द नेम proc 11.c. लेट्स कंपाइल दिस एंड लेट्स रन दिस. सो एंटर एनी टू नंबर मैं फर्स्ट नंबर एंटर करता हूँ 44 सेकेंड 66 तो ये प्रिंट करेगा मैक्स इक्वल्स टू 66 दोनों में से जो बड़ा है वो. फिर से एक बार रन करते हैं. इस बार मैं फर्स्ट नंबर में डाल फर्स्ट वेरिएबल में 55 डालता हूँ सेकेंड में 21 डालता हूँ मैक्स इक्वल्स टू 55. सो दैट्स इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.